Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश संकट से दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ गई है और अब बांग्लादेश के संकट पर CDS अनिल चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर कहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया सबसे हिंसक दौर में है। बांग्लादेश संकट पर CDS अनिल चौहान ने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि दुनिया उथल पुथल के दौर में है। वैश्विक भू राजनीतिक वातावरण में उतार चढ़ाव की स्थिति है। मेरा मानना है कि हम बड़े वैश्विक समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। वैश्विक सुरक्षा वातावरण दो बड़े युद्धों में बदल गया है। हालांकि लीबिया, सीरिया, यमन और अर्मेनिया में युद्ध फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया सबसे हिंसक दौर में है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर भड़की हिंसा अचानक से PM शेख हसीना के खिलाफ भड़क गई। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अब बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है, जिसको लेकर भारत भी काफी चिंतित है। सुनिए आज CDS अनिल चौहान ने बांग्लादेश संकट को लेकर क्या कहा है। India has its own share of challenges, security challenges. We have proxy war raised by Pakistan and government Kashmir, whose sudden escalation we are now seeing in south of Pir Panjal, and the prolonged border dispute with China is yet to abate. These are two major security challenges that we face. The instability in our neighborhood is another cause of concern for us. A strong armed force backed by a strong defense industrial sector is hence a sine qua non for the nation state. For a large nation like India, with plentitude of security problems, it cannot remain dependent on foreign imports for war fighting and sustenance, especially in an environment where the global security environment is in a state of flux and we have live borders at hand.